कुशीनगर में हुए दर्दनाक हादसे में अब तक 13 लोगों की मरने की खबर। हल्दी रस्म के दौरान कुएं में गिरे थे 30 लोग, कुएं में गिरने से 13 लोगों की हुई मौत। कुशीनगर में हुए हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख। मृतकों के परिजनों के प्रति जताई गहरी संवेदनाएं। सीएम योगी ने भी जताया दुख। शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बना दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया स्मार्ट कार्ड। और आज यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में आएंगे गृहमंत्री अमित शाह। मोहम्मदी के रामलीला मैदान में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। कहते हैं जब तूफान चलता है तो पेड़ उखड़ जाते हैं, पर्वत भी डोलने लगते हैं, लेकिन जमीन पर उगी दूब घास को यह तूफान उखाड़ नहीं पाता है। तो क्या उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर नंगे पांव चलकर चुभती हुई कटीली झाड़ियां हो या दूब घास की मुलायमियत हो, इसके जरिए उत्तर प्रदेश को मापा जा सकता है? या फिर जो हवा चल पड़ती है उस हवा के आश्रय उत्तर प्रदेश का सियासी मौसम बदलने लगता है? दरअसल उत्तर प्रदेश को एक नजर से देख पाना शायद बहुत कठिन काम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीमा दिल्ली से लगती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीमा बिहार को छूती है और बुंदेलखंड का इलाका मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर मध्य उत्तर प्रदेश की हवा और मध्य उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर दूब की घास की तरह वहां पर जो छोटे छोटे समुदाय की स्थिति है, क्या पिछले 5 सालों में उस पर कोई असर पड़ा है? और अगर पड़ा है तो क्या वह 5 बरस पुरानी स्थिति पर वापस लौटने को तैयार है? दरअसल यह मध्य उत्तर प्रदेश की 118 सीट ऐसी हैं जिस पर जिस राजनीतिक दल ने कब्जा कर लिया तो वह 40 या 50% पर नहीं कब्जा करता, बल्कि यह कह सकते हैं कि पूरा मध्य उत्तर प्रदेश उसके कब्जे में आता है। फिर चाहे वो अखिलेश यादव की 2022-12 की सत्ता रही हो या 2017 में बीजेपी यूपी में अपने पता का लहरा दिया हो। 118 सीटों में से बीजेपी 10 सीट में 97 सीट पर पहुंच गई थी 2017 में, और अखिलेश यादव 90 सीट से घटकर आ गए थे 12 सीटों पर। इन 118 सीटों पर आने वाले जिलों में ज्यादातर जिले ऐसे हैं कि जिस राजनीतिक दल का लखनऊ में कब्जा हो जाता है पूरा का पूरा जिला उसी राजनीतिक दल का हो जाता है। सियासत की इस लकीर को पढ़ने के लिए मौजूदा वक्त में राजनेताओं के भाषणों को भी आप सुन सकते हैं और सुनने के बाद समझ सकते हैं कि दरअसल मध्य उत्तर प्रदेश यूपी की सियासत में क्या हैसियत रखता है। मध्य उत्तर प्रदेश यूपी की सियासत में संख्या के लिहाज से जितना महत्वपूर्ण है, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के लिहाज से भी राजनीति को भी वह पाठ खूब पढ़ाना उसको आता है। अखिलेश यादव को यूं ही नहीं पाठ पढ़ाया था, जबकि बीजेपी के पास 2017 में कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो यह कहकर निकलता रहा हो कि हम चेहरा हैं। उस वक्त नरेंद्र मोदी ही एक इकलौते चेहरे थे। वह एक चमत्कारी दौर था, वह एक ऐसा दौर था जब किए जा रहे वादे और दावों को जनता देखना चाहती थी, लेकिन मौजूदा वक्त में जनता ने वह भी देख लिया जो उसे देखना था, इसलिए मौजूदा स्थिति अब बदली नजर आ रही है। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि क्या वास्तव में अब मध्य उत्तर प्रदेश पर जिस तरीके से सियासी स्थिति जो बनी हुई है उसको लेकर के सभी राजनीतिक दल भांपते नजर आ रहे हैं कि आखिर उनकी स्थिति क्या है इस क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों के जिलों में जिस तरीके से स्थिति जो बनी हुई है उनको लेकर के। मध्य उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो तमाम सारे जिले आते हैं, वो चाहे फैजाबाद हो, लखनऊ हो, रायबरेली हो, उन्नाव हो, फैजाबाद हो, गोंडा हो, फरुखाबाद हो, इटावा हो, औरैया हो, ये सारे जिले दरअसल मध्य उत्तर प्रदेश में ही आते हैं। लखनऊ में
तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में दो चरणों के चुनाव हो चुके हैं, तीसरे चरण का चुनाव होना है और ऐसे में अगर तीसरे चरण और चौथे चरण यानी जो अगले चरण में अगले पड़ाव में जो चुनाव होने हैं उनकी स्थिति क्या है और राजनीतिक दल कितना भांप चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की अगले चरणों में जो चुनाव होने हैं वहाँ की जनता किसके साथ है या किसके विरोध में खड़ी है, इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। नरेंद्र सिंह जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आर बी उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राहुल आनंद जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, राहुल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। और सबसे पहले राहुल जी आप ही से सवाल ले लेते हैं, स्थिति क्या कहती है, तीसरे चरण का चुनाव है और तीसरे चरण के चुनाव का ही जिक्र क्यों करें? मुझे लगता है कि जो अगले पड़ाव में पूरा मध्य उत्तर प्रदेश आता है, जो कुछ क्योंकि जिले ऐसे हैं वो जो अछूते भी रह जाएंगे इस चरण में, वो चौथे चरण में आएंगे, तो ऐसे में अगर ये पूरी स्थिति का आकलन किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहां पर खड़ी हुई पा रही है? अहम बात ये है, हम लोकतंत्र की बात करते हैं और जब जनता के आशीर्वाद को हम प्रेरित अपेक्षा रखते हैं मिलना चाहिए, तो सबसे अहम बात ये आती है जो जहन में आती है कि राजनीति का जो नींव है, जो सड़क निर्माण राजनीति का, वो कितनी मजबूती से किया गया है भारतवर्ष को लेकर। तो अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 400 से ऊपर सीटें हैं और जो फेज बाय इलेक्शन होता है, जब हम चर्चा करते हैं सीटों को लेकर, तो वहां पे एक सबसे अहम बात ये आती है कि आपको राजनीतिक पकड़ कितनी है उन इलाकों में। तो जिस प्रकार से ग्राफ की अगर हम बात करें तो पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो ग्राफ थी और अब वो निश्चय ही बढ़ी है। पहले के दौर में 2017 में अगर देखा जाए तो माननीय मोदी जी इसके चेहरा हुआ करते थे, उनके चेहरे पे ही लड़ती थी, अब योगी जी का चेहरा है। तो जो एक्सेप्टेबल है, जो जनता के बीच में जो चेहरों को लेकर जो एक्सेप्टेंस है, ये मायने रखता है। और हमने आज तक जितने भी कार्यों को किया है और जिस भी हमने समीक्षा की है उसको अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में जो हम उन्नत प्रदेश बनाने की बात करते हैं, जो उपयोगी प्रदेश बनाने की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं धरातल में। और जो पहले आप जो एक संबोधन कर रहे थे जिसमें आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब तूफान आता है तो पहाड़ और पेड़ तो हिलते हैं लेकिन ग्राफ में जो जो घासें होती हैं उन्हें उनको उखाड़ भी नहीं पाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी उस घास की तरह होती गई बनती जा रही है, जिसे उखाड़ कर फेंकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। जी ठीक है, आएंगे आपके पास नरेंद्र सिंह जी। आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी ने पक्ष रखा और ये वो कह रही है, हालांकि अभी बताएंगे भारतीय जनता पार्टी ये के भी दावे हैं, ठीक है, काम किया है, अच्छी बात है, आपकी सरकारों ने भी काम किया है, लेकिन कमियां हर सरकारों में रह जाती हैं। क्या लगता है समाजवादी पार्टी को कि वास्तव में जो 5 साल की स्थिति उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा, पिछले 5 सालों की स्थिति को, उन स्थितियों से वो संतुष्ट नजर आएगी या फिर एक बार फिर से जिन स्थितियों को वो देखना चाहती थी उत्तर प्रदेश की जनता उसको वो देख चुकी है और अब जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि परिवर्तन की स्थिति में है, तो लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठता है कि आपके साथ वो जनता जाएगी तो क्यों? नरेंद्र सिंह जी आवाज आ रही है आपको? जी सुन रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं? जी बोलिए। आप आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इटावा में रैली की थी, तो इनकी रैली में कोई लोग नहीं आए, ठीक है, इनको क्या करना पड़ा कि इन्होंने एडिट करके इटावा की रैली की फोटो, आप लोग मीडिया के लोग हैं जो आजकल वायरल हो रही है, आपने भी देखा होगा कि इनकी रैली जब लोग नहीं आए इन्होंने तो एडिट करके फोटो लगाया। अरे हो गई होगी गलती, सोशल मीडिया पे जो बैठे होंगे उन लोगों से गलती हो गई, देखिए हमने फोटो देखी। नहीं गलती हो गई ना, गलती कैसे हो गई, जो आदमी अगर उनकी रैली में भीड़ होगी ना तो भीड़ वाली अपनी ओरिजिनल फोटो हटा के नकली एडिट क्यों लगाएगा? ये गलती नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा है। जिस तरह से इनका राष्ट्रवाद फर्जी है इसी तरह से इनकी हर एक चीज फर्जी है। एक और उदाहरण आपको देते हैं, ताजा अभी रैली हुई थी इनकी कानपुर देहात में, वो वीडियो वायरल हो रहा है, लोगों ने वीडियो बना लिया। एक मुख्यमंत्री की रैली होती है उसमें 200-300 लोग नहीं आते, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, तो आप इससे अंदाजा लगाइए, इससे आप ये अंदाजा लगाइए कि प्रदेश के जिस जिस चेहरे पे ये चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री के चेहरे पे,
उनको सुनने को लोग आने के लिए तैयार नहीं है। तो आप इससे ये हालात जान सकते हैं कि तीसरे चरण में होने वाला क्या है। दूसरी चीज, आपके चैनल के माध्यम से, इस डिबेट के माध्यम से एक चीज और लोगों को हम बताना चाहते हैं कि भाजपा लोगों के सेंटिमेंट से खेल के और सिर्फ सिर्फ देश को लूटना चाहती है। उसका ताजा उदाहरण ये है कि अभी 22 से 23 हजार करोड़ का सेबी क्या क्या कहते हैं वो सुफियाड घोटाला है। आप देखिए इनके शासन काल में बैंकें लूट रही है, बैंक लूट के लोग बाहर जा रहे हैं विदेश। उन्होंने ये कहा था कि हम भाई काला धन बाहर लाएंगे। किस तरह से लूट मचती है, 140 करोड़ भारतीयों का टैक्स की गाड़ी कमाई इनके लोग बैंक लूट रहे हैं, संगठित लूट चल रही है और भाजपा द्वारा संरक्षित। अरे ये जनता नहीं जान पाएगी भाई, ये जो आप बता रहे हैं ये आंकड़े, ये आप समझते होंगे, हमें नहीं समझ में आ रहा है। मुझे लगता है आरबी उपाध्याय जी शायद समझ पा रहे हो, आप इतना बड़ा इतनी गहराई से ये जा रहे हैं। जनता जो हम चुनाव की बात कर रहे हैं वो ये सब बहुत परे हैं, उनको जमीनी मुद्दों से मतलब होता है, उनको सेबी क्या होता है उन्हें पता ही नहीं है, आरबीआई कब कौन फैसले लेते हैं उन्हें पता ही नहीं है, वो तो जो अखबारों में पढ़ लिए वही वो उनको जानकारी हो जाती है। देखिए सोशल मीडिया एक बड़ा अच्छा माध्यम है और आपके जो चैनल्स हैं इससे बढ़िया कोई माध्यम नहीं है कि लोगों को जागरूक किया जाए, इनकी पोल खोली जाए, समझ गए। और जो कुछ हो रहा है इनका फर्जी सोशल मीडिया से ही हो रहा है। इनका आईडी सेल कितना झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाता है आप नहीं जानते क्या? कौन नहीं जानता देश का? कि आप देखिए इन्होंने अगर जमीन की बात कर रहे हैं, देवर एयरपोर्ट की बात की इन्होंने, इन्होंने चीन के एयरपोर्ट का चेहरा लगाया फोटो, पूरे देश में दुनिया में बदनामी हुई। ठीक, इन्होंने बंगाल में बंगाल का जो ब्रिज था वो बना के उत्तर प्रदेश में दिखाया। इनके पास दिखाने के लिए कुछ उत्तर प्रदेश में है ही नहीं है, जमीन पे नहीं है, और कम से कम ये दूसरे विदेश से लाए कि बदनामी हुई देश की नहीं। आप चीन ने भी ये बात कही कि देखो भारत के पास अपना कुछ नहीं है, ठीक है, और वो हमारे एयरपोर्ट को यहाँ लगा के दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमने डेवलपमेंट किया। ठीक है नरेंद्र सिंह जी, ठीक है, आगे बात मैं समझ गया, आप तमाम सारी चीजों को लेकर के चल रहे हैं। आरबी उपाध्याय जी आपके पास आएंगे, फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। पंजाब सरकार को 3,17,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर लेबर है जड़े वो रजिस्टर्ड है परिवार। आज ऐसी दिवाली के शुभ मौके पर उन्होंने सारे परिवारों जेडे कंस्ट्रक्शन वर्कर दे विच सरकार दे को रजिस्टर्ड है जिन्हों की गिनती 3,17,000 परिवार है उन्होंने दिवाली के शुभ मौके पर बधाई देंदे हुए 3,100 रुपये दिवाली का शगन भेज रहे हैं उन्होंने सारे परिवारों को। मैं सारे नू बहुत बहुत बधाई देना। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ लगातार सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। आरबी उपाध्याय जी, दरअसल अब उत्तर प्रदेश का जो चुनावी चरण बाकी हैं, मध्य उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र करें तो जिस तरीके से तीसरे चरण का क्योंकि आती हैं और चौथे चरण में भी कुछ जिले रह जाएंगे, मध्य जो आएंगे मध्य में वो चौथे चरण में होंगे। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमने बहुत सारे काम किए हैं। देखिए हमने एक चीज का जिक्र किया था जब चर्चा शुरू करने से पहले कि दरअसल जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी आई थी
तो उस दौरान मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर एक सपने थे, जनता ने सपने संजो रखे थे कि जिन वायदों की बात की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिन मुद्दों की बात की जा रही है, उन मुद्दों और वायदों को हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, डबल इंजन की सरकार आती है तो पूरे होंगे। उन सपनों को देखना चाहती थी उत्तर प्रदेश की जनता, और मुझे लगता है शायद इसी वजह से जाति धर्म संप्रदाय हर चीज से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने मतदान किया। हमने एक चीज और का और जिक्र किया कि मध्य उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो ये कह करके निकलता रहा हो कि नहीं, हम चेहरे हैं, इस क्षेत्र में हमारा दबदबा है, रुतबा है, हमारे नाम पर वोट मिलेगा। उस दौरान मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में ही केवल एक ही चेहरा था, वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, और उन्हीं के मुद्दों और वायदों पर जनता ने झारा ओढ़ दिया। अभी एक रिपोर्ट आई है नीति आयोग की, सस्टेनेबल ग्रोथ रिपोर्ट आई है, उसमें यह दावा किया गया है, नीति आयोग ने खुद कहा है कि उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के मामले में सबसे नीचे है, वो चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, यानी सबसे नीचे लिस्ट में पायदान पर है। वायदे तो बड़े बड़े किए गए थे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, और चाहे भरण पोषण के क्षेत्र में हो, यानी पोषण के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश निचले पायदान पर है। साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की जनता को खाने के लाले भी पड़े हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं ना आप कह रहे हैं, यह नीति आयोग की रिपोर्ट में साफ हुआ है। तो ऐसे में जो वायदे किए गए थे कि वास्तव में उन वायदों को पूरा कर पाई भारतीय जनता पार्टी, उन वायदों पर एक बार फिर से मतदान देगी उत्तर प्रदेश की जनता, क्या रुख होगा? देखिए योगेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री की बातों पर 2017 में जनता ने विश्वास किया और उनको एक आशा थी, उम्मीद थी। देखिए उस समय बोला भी जाता था पेट्रोल डीजल है, सस्ता मिलेगा, किसान की आमदनी दुगनी कर दी जाएगी, स्मार्ट सिटी बनेंगे, गांव स्मार्ट होंगे, रोजगार मिलेंगे, शिक्षा का स्तर सुधरेगा, स्वास्थ्य की जो ढांचा है मजबूत होगा। लेकिन हो क्या रहा है? देखिए वो देखने को मिलेगा। 2017 में वायदों पर पूरा विश्वास था और जाति धर्म से ऊपर उठकर सबने वोट किया था, लेकिन न किसान की आमदनी दुगनी हुई, न पेट्रोल सस्ता हुआ, न डीजल सस्ता हुआ, बल्कि और महंगा हो गया। किसान है आवारा जानवरों से परेशान है। आप देखेंगे आवारा जो जानवर है, किसान दिन में खेत में काम करता है और रात को आवारा पशुओं से अपनी फसल को बचाने के लिए चौकीदारी करता है। स्थितियां विषम है। तो ऐसा कह देना कि भी अब सब कुछ ठीक है, और जैसा नीति आयोग की रिपोर्ट न भी बताए तब भी ये दिखता है किसान असंतुष्ट है। फर्स्ट फेज की बात करें हम, सेकंड फेज की बात करें, थर्ड फेज की बात करें, फर्स्ट फेज में देखिए जो सोशल इंजीनियरिंग थी वो कहीं ना कहीं हिलती डुलती नजर आई, सेकंड फेज में भी हमने देखा, थर्ड फेज में हम जा रहे हैं। तो ये जो सब चीजें हैं, गांव से लेकर शहर तक महंगाई अपने चरम पर है, तो जनता करे तो करे क्या? ये बात अलग है कि भी वहां गरीबों को राशन मिल रहा है, लेकिन राशन मिलना कोई समस्या का समाधान नहीं है। अगर मेरे पास रोजगार है, मेरी जेब में पैसा आएगा, तो मैं राशन भी खरीद लूंगा, अपने बच्चे को पढ़ा लूंगा और अपना इलाज भी करा लूंगा। आज जो फ्री का फंडा है, कोई कह रहा है मैं घी दे दूंगा, कोई कह रहा है मैं तेल दे दूंगा, कोई कह रहा है मैं राशन दे दूंगा, जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका निराकरण का कोई रोड मैप मुझे नहीं नजर आ रहा। कोई बिजली फ्री कर रहा है, कोई कुछ फ्री दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अपने पुश्तैनी मकान बेच के जनता में दान कर रहा है। सब बैठी गंगा में हाथ धो रहे हैं, कहां से आएगा पैसा? प्रदेश की जो हालात है, उस प्रदेश में जो मूलभूत आवश्यकता है रोजगार की है, बिल्कुल मैं फिर वही किसान है, एमएसपी उसे मिल जाए, उसकी उपज का उसे सही मूल्य मिल जाए, तो
उसके हाथ में कटोरा देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उसकी उपज का सही मूल्य मिल जाएगा, वो अपने खर्चे वहन कर लेगा और अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा लेगा। आज जो मूलभूत आवश्यकता है उत्तर प्रदेश की, शिक्षा में देखिए स्कूल टूटे फूटे हैं, कहीं टीचर नहीं है, तो शिक्षा का स्तर कैसे उठेगा ये कोई पॉलिटिकल पार्टी रोडमैप नहीं बता रही है। बिल्कुल मुझे तो कह रहे हैं शिक्षा के हालात खराब है, अरे भाई खराब मुझे भी दिख रहे हैं, ये बताइए आप ठीक कैसे करेंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी रोडमैप नहीं दे रही। स्वास्थ्य की बात आती है, जो गांव का व्यक्ति है बहुत दूर अस्पताल में जाता है, उस गांव में कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती, 1,500 घर जिस गांव में है वहां इसको किसी डिस्पेंसरी दे दी जाए तो कम से कम वो अपना वहां इलाज करा ले, कोई रोडमैप नहीं दे रहा कि भाई ऐसा भी करेंगे, कोई कह रहा मार देंगे, कोई कह रहा काट देंगे, कोई कहता है मार। लोग स्वास्थ्य का जिक्र करते हैं, आज एक बड़ी घटना हो गई है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, आपने भी सुना होगा कि एक किसी परिवार में विवाह समारोह था तो वहां पर हल्दी रस्म हो रही थी, तो वहां पर एक कुआं था जो कि पटा हुआ था, उस पर कुछ महिलाएं बैठ गईं और वो जिस चीज से पटा हुआ था वो टूट गया ज्यादा भार होने की वजह से, 13 महिलाओं की मौत हो गई और दर्जनों महिलाएं घायल हैं, और परिवार वालों का आरोप ये है कि वो बेचारे फोन करते रहे एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस नहीं आई, CSC में वो लेकर के गए तो वहां पर डॉक्टर नहीं मौजूद थे। और एक 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 वाक्य तो मेरे साथ भी हुआ है वास्तव में, मैं बता रहा हूँ राजधानी लखनऊ में, मैं किसी गांव या क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, लखनऊ में मेरे साथ पिछले साल जो है लास्ट ईयर एक ऐसी घटना घटी कि उस घटना ने तो मैं ईश्वर न करे कभी मेरे सामने कोई ऐसी दोबारा घटना घटे, किसी के साथ में था और उसके साथ जब वो घटना घटी तो मैं वहां पर पहुंचा और उसके बाद मैं एम्बुलेंस को फोन करता रहा आधे घंटे, घड़ी का देख करके आधे घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आई है, उसके बाद मुझे निजी वाहन से उसे ले जाना पड़ा, किसी को बुलाना पड़ा क्योंकि उस जिस व्यक्ति को ले जाना था उस व्यक्ति को ऐसे कार में नहीं बैठाया जा सकता था, लिटाया नहीं जा सकता था। बावजूद इसके तब हमने, मतलब ये लोग इतना दावा करते हैं, इतने बड़े बड़े दावा करते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था सब कुछ ठीक हो गया यूपी में, सब कुछ हरा भरा है, मुझे तो नहीं लगता है। अब मैं कहता हूं राहुल जी से, राहुल आनंद जी आप भी आजमा लीजिएगा कभी, मुझे नहीं लगता है कि आप 15 मिनट 20 मिनट का जो समय देते हैं, आधे घंटे से पहले एम्बुलेंस आपके पास आ जाए तो बताइएगा मुझे। आरबी उपाध्याय जी, देखिए राहुल आनंद जी माने या न माने, हाँ देखिए ये पार्टी प्रवक्ता हैं, वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, समाजवादी पार्टी वाले अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, वो ये कहेंगे हमने विकास कर दिया था, भाई विकास कर दिया था तो जनता ने क्यों नकार दिया। राहुल आनंद भी यही कहेंगे कि हमने तो विकास कर दिया है। अब वो विकास कौन सी चोटी पे है वो देखना चाहिए, समाज के अंतिम व्यक्ति को जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, उसे अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, उसे रोजगार मिले, वो विकास है। उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े एड देने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है, व्यक्ति खुद बोलेगा, ठीक बात वो कहेगा, दिख नहीं रहा, जमीन पर नहीं दिख रहा कुछ भी। और विकास के दावे ऐसे हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी कह रही है भाई हमने भी बहुत अच्छा विकास कर दिया था, अगर पहले विकास कर दिया था तो वो कहां चला गया, कहां अस्पताल चले गए, कहां स्कूल चले गए, कहां वो टीचर चले गए, कहां इंफ्रास्ट्रक्चर चला गया, क्या बीजेपी ने अपनी जेब में रख लिया। तो ये कह देने भर से नहीं होगा, कह दे बिल्कुल ठीक। आज बीजेपी भी कह रही है भी हमने विकास कर दिया। राहुल आनंद जी ये स्थिति बेहद दयनीय है, देखिए वास्तव में बता रहा हूँ, जो कुशीनगर की घटना आप भी सुने होंगे, आपको भी जानकारी में होगा, संज्ञान में होगा, बहुत दुखद घटना है और प्रधानमंत्री जी ने भी दुख व्यक्त किया, योगी आदित्यनाथ जी ने भी दुख व्यक्त किया, संवेदनाएं व्यक्त की हैं परिवार के प्रति, अच्छी बात है। लेकिन जो चीज़ें उन्होंने बताई कि एम्बुलेंस की वो फ़ोन करते रहे नहीं आई है, मेरे साथ मैंने अपनी घटना बताई, मैं आपको रिकॉर्ड दे सकता हूँ, हॉस्पिटल में आज भी मेरा रिकॉर्ड दर्ज है। सोचिए दूसरे के उसके परिजनों को वहां पर जाना था, मेरे वहां पर और जिंदगी मौत, आधे घंटे लेट की वजह से वो व्यक्ति मौत के गगार पर उतर चुका था, डॉक्टर कोई एडमिट नहीं कर रहा था, मैं अपनी घटना बता रहा हूं, 90% व्यक्ति मर चुका था, डॉक्टर ने यह कहा था कि अब अगर व्यक्ति की जान बचेगी तो भगवान ही बचा पाएगा, हम नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो स्थिति बनी थी वो बेहद दयनीय थी। और वहां पर यह स्थिति आई थी कि बिना पुलिस केस के लेने को नहीं तैयार था हॉस्पिटल, ये तो कहिए कि कुछ थोड़ा सा व्यवहार कमा रखा था मैंने, हॉस्पिटल के मालिक थे वो जानते थे मुझे,
एडमिट किया कराया उनको, मैंने वहां पर साइन किया, उनके परिजनों के साइन किया, अगर उनको कुछ हो जाता तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैं होता, ऐसी स्थिति होती है। बताइए, आप कह रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, एम्बुलेंस शायद आ जाती तो स्थिति कुछ और होती। ठीक है राहुल जी, आपके पास आएंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार बने हुए हैं। राहुल आनंद जी सीधे आपके पास ही आएंगे। देखिए, मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, एक तो ताज़ा आज का ही उदाहरण है और एक मैंने जो आप बीती हुई घटना वो मैंने आपको सुनाया। क्या कहेंगे बताइए, आपके ये जो दावे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दावे किए जा रहे थे, योगी आदित्यनाथ जी ने जो दावे किए थे, उनका जनता पर कितना प्रभाव पड़ पाएगा ऐसी स्थिति जो बनी हुई है? अगर तो बेहद खेद है, मैं खेद व्यक्त करता हूँ, लेकिन मैं आपको इस चीज को भी बताऊंगा कि 2017 से 2022 या उसके पहले जो भी स्थिति रही हो उत्तर प्रदेश की, वो निश्चय ही इस वक्त विचारणीय है। दूसरी बात, जो मेडिकल व्यवस्था को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं, तो परिस्थिति, जिस परिस्थिति का आप जिक्र कर रहे हैं, वो निश्चय ही पैंडेमिक परिस्थिति रहा होगा, क्योंकि आपके बातों से नजर आ रहा था। लेकिन हर एक व्यक्ति का जान बचाना सरकार की अहम जिम्मेदारी होती है। अगर जहां तक उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, तो अगर पूरे देश में देखा जाए आबादी के लिहाज से भी, तो उत्तर प्रदेश में काम हुआ था। मैं इस चीज को जरूर मानता हूं कि नाराजगी भी रही थी, लेकिन स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास भी किया गया था। दूसरी बात, अगर आए मेडिकल संस्थानों को लेकर, तो मेडिकल में उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अंदर भी नए नए संस्थान खोले जा रहे हैं और पीपीपी मॉडल पे भी कार्य को शुरू किया गया है, ताकि बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। जो सरकारी तंत्र होता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि निश्चय ही होती है, इसको मैं स्वीकार करता हूं आपके चैनल के माध्यम से भी। और जो निगेटिविटी होती है प्रशासन के अंदर, शासन के अंदर, जो निगेटिविटी, कहने का मतलब ये कि थोड़ी देर पहले जो नीति आयोग की हम चर्चा कर रहे थे, तो कुछ कमी को एक्सेप्ट करना चाहिए, यही एक समझदारी होती है चर्चे को भी और सरकार को अपने कामों की समीक्षा करने के लिए। तो जो अभी थोड़ी देर पहले जो आप चर्चा कर रहे थे नीति आयोग में कि सबसे निचले पायदान पे दिखाया गया है, तो मैं आपको इस चीज के लिए और बताना चाहूंगा कि बिहार में भी नीति आयोग का जब सर्वे हुआ था, तो बिहार की भी रेटिंग नीचे ही गई थी, लेकिन उसमें सुधार जरूर हुए हैं, इस चीज को जरूर दर्शाया गया था। तो जो माइनस में होता है उसको प्लस में लाने में थोड़ा वक्त जरूर लगता है। वो दिखता कब है? वो दिखेगा 5 साल में नहीं, वो दिखेगा आपको कम से कम 10 साल की जब शासन व्यवस्था चलेगी, तब जाकर वो आपको नजर आना शुरू होगा कि वास्तव में कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है। जहां तक शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए, एक बात बताइए, तो मैं राहुल जी एक बात यहीं पे बता दी। हाँ ठीक है, आपने जो कहा कि 5 साल में स्थितियां सुधर नहीं सकती, बेहतर नहीं हो सकती हैं, पिछले 5 साल का अगर जिक्र करें, तो अखिलेश यादव जब आए थे सत्ता में, तो वो भी 5 साल ही उनको शासन का मिला था, सत्ता संभालने का मौका मिला था। तो आप जिस तरीके से, जो आपके बगावती तेवर थे, जो जिस तरीके से आपके हमला बोलने के जो तरीके थे, वो में तो आपकी नरमी आनी चाहिए। फिर आपको ये सोचना चाहिए था कि नहीं, सपा को एक 5 साल का मौका और अभी मिलना चाहिए, 5 साल में जो पिछली व्यवस्थाओं ने बिगाड़ा है उसको सुधारने में समय लगेगा। देखिए, मुझे लग रहा था कि आप ये प्रश्न जरूर मुझसे करेंगे, लेकिन मैं आपको इस चीज को याद दिला देता हूं कि अखिलेश यादव जी जब माननीय मुख्यमंत्री बने थे 2012 में, उसके पहले उनके पिताजी भी उत्तर प्रदेश की सीट पे कायम थे। लगातार नहीं, 5 साल में तो व्यवस्थाएं बदल गई। देखिए क्या होता है कि सरकार जब भी आती है, कोई भी सरकार आती है, आपने जहां से जो कारवां को छोड़ा था उत्तर, देखिए सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश का जो जिक्र किया जाता था, जो बीमारी बीमारू स्टेट कहा जाता था, उससे उत्तर प्रदेश को बाहर निकाला गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सर्वे कहता है। दूसरी बात मैं बताऊं कि जब मेरे पिताजी ने शासन किया और जहां तक उत्तर प्रदेश को बढ़ाया, अगर मैं जब शासन करता हूं तो उसको निश्चय ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो घटते क्रम में जा रहा है, तो रेटिंग, ये मैं नहीं कहता कि उनको आना चाहिए, ये जनता तय करती है कि किनको आना चाहिए। लेकिन जो व्यवस्थाएं थी, जो उत्तर प्रदेश में शासन और प्रशासन की जो मिली जुली जो सरकार थी, वो जरूर इस चीज को दिखाता है और दर्शाता भी है कि उत्तर प्रदेश की व्यवस्था जरूर सुधरी है। जो न्यायिक जांच होनी चाहिए, जो न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जो घर घर घूमकर आपने देखा होगा कि मंडल में टोली बनाकर मुख्यमंत्री पैंडेमिक सिचुएशन में भी घूम रहे थे, तो ये जरूर दर्शाता है कि हमें फिक्र थी जनता की, लेकिन सिचुएशन ऐसा था कि स्थिति खराब हो रही थी, लेकिन उसको अगर कंट्रोल किया गया तो WHO ने भी सराहा। तो ये भी हमारे लिए गर्वान्वित होने वाला ही विषय है कि हमें पूरे देश में उत्तर प्रदेश को ही रोल मॉडल बनाया गया, तो ये भी एक अच्छा है। और कभी भी अगर नीति आयोग कोई रिपोर्ट देती है,
तो मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार ये भी तो स्वीकारिए, क्योंकि आप तो मुझे लगता है ठीक पक्ष रख रहे हैं और स्वीकार भी रहे हैं जो गलतियां हुई हैं। हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई है, ये भी तो बताइए। देखिए, हाईकोर्ट ने जब फटकार लगाई है, मैं इससे ना नहीं कहता हूँ, क्योंकि वो न्यायालय है, न्यायालय का हम सब सम्मान करते हैं, और ये एक अच्छी प्रक्रिया है। हम एक बार बहुत पहले भी इसको लेकर चर्चा पे बैठे थे, जब हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था सरकार को, और मैंने कहा था कि समय समय पे ऐसी व्यवस्था माननीय न्यायालय की तरफ से भी आनी चाहिए कि सरकारों के अंदर। तो आपने न्यायालय के सम्मान में, आपने न्यायालय का इतना ज्यादा सम्मान रख लिया कि आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, चुनौती दे दिया हाईकोर्ट के आदेश को, इतना ज्यादा आपने सम्मान कर लिया। आप देखिए, चुनौती देना, आरबी उपाध्याय जी कुछ कह रहे हैं, आरबी उपाध्याय जी की आवाज खोलिए। दिक्कत ये है कि आप पेट्रोल डीजल कहते हैं कि मार्केट के हवाले है, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम होती हैं तो वो आप पास ऑन नहीं करते हैं। आप कस्टमर को नहीं देते हैं, अपना टैक्स बढ़ा देते हैं, और जैसे ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगा होता है तेल, आप उसे महंगा तो कर देते हैं लेकिन सस्ता नहीं कर। तो देखिए, जो जनता है वो ठहरा हुआ महसूस करती है अपने आप को, वो विसंगतियों को देखकर बहुत मायूस होती है। आप कथनी और जो करनी का जो फर्क है ना, वो साफ नजर आता है। आप कहते थे कि हम चौकीदार हैं, हम कहते थे चौकीदार हैं हम, और उसके बाद बैंक लूट रहे हैं, लोग लूट के बाहर जा रहे हैं। हम कहते थे हम काला धन लाएंगे, काला धन तो आया नहीं, यहाँ का धन और जा रहा है। तो जो विसंगतियां हैं ये कहीं अविश्वास पैदा करते हैं। ठीक बात, वही मैंने कहा शुरुआती दौर में, मैंने वही कहा, आ रहे हैं राहुल जी, आ रहे हैं नरेंद्र जी, आ रहे हैं आपके पास, एक छोटा सा कमेंट राहुल जी जिसे ले लें, उसके बाद आपके पास आते हैं। यही चीजें हमने शुरुआती दौर में कही कि जो जनता को विश्वास था, जो आस्था थी, मुझे लगता है उस पर कहीं ना कहीं कुछ कुठाराघात या ये कहें कि चोट पहुंची है, ये जनता के बीच में जाने पर पता चलता है। राहुल जी, हेलो जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, आप देखिए, कैंसर इंस्टीट्यूट बना के दिया हमने, रिवर फ्रंट बना के दिया, और जो सबसे लंबा हाईवे है वो रिकॉर्ड टाइम 2 साल में दिया। ये कह रहे हैं कि मुझे 5 साल में नहीं हो सकता, भाई 5 साल में आपने काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया है जो है वो बताइए ना, मैं ये काम किया है आप बताइए। स्वास्थ्य शिक्षा वैसे महत्वपूर्ण मुद्दे है, आदमी इंतजार करेगा जब बीमारी होगी कि भाई अब 5 साल बाद हम हॉस्पिटल बनाएंगे तो आपको एडमिट करेंगे। जो हॉस्पिटल बने हैं उनमें स्टाफ नहीं है, उसमें दवाइयां नहीं है, उसमें बिस्तर नहीं है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, आप कर क्या रहे हैं, आप बताइए। राहुल जी, जो हमने हॉस्पिटल बना के दिया उसमें दवाइयां नहीं है, लोग मर रहे हैं। तो इनको ये पूछिए कि भाई कितना समय लगेगा आपको, जनता को मूर्ख बोलाना बंद करिए। अब मुझे बोलने दीजिए, अब मुझे बोलने दीजिए, पापा के भाई से मेरा आग्रह है कि मुझे बोलने दीजिए, फिर मैं अपने पक्ष को रखता हूँ, मैं रख रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जो राजनीतिक विश्लेषक जो बैठे हैं वो जो 15 लाख की जो चर्चा कर रहे थे, और वो जो पेट्रोल डीजल की चर्चा कर रहे थे, तो मैं आपको यही बता दूंगा कि जो 15 लाख है ना वो 60 लाख में तब्दील हो गए हैं हमारे। जब हमने, सुनिए मेरी बात सुनिए, जब हमने राफेल तैनात किया उस समय हमारा 15 लाख वापस आया, जब हमने 370-375 हटाए उस समय हमारा 15 लाख आया, 30 लाख आ गए, और जब हमने राम मंदिर का शिलान्यास करा दिया उस समय हमारे 15 लाख आ गए, जाकर 45 लाख रुपए हमने ले लिए। आप अपने आधार कार्ड, और जहाँ तक पेट्रोल डीजल की बात है, मुझे बोलने दीजिए नागेंद्र भाई, मुझे बोलने दीजिए। आपने इतना अच्छा कर दिया, जब जनता ने क्या बताया? अरे मुझे बोलने दीजिए ना, मुझे प्रश्न किया गया, मुझे बोलने दीजिए। जनता को वैक्सीन देना चाहिए, आसान काम है। आपके घर में अगर 400 दफ्ते रहते हैं तो 700 के हिसाब से 2800 रुपया हमने दिया, और पूरे 135 करोड़ की जनता को मिला दीजिए कि उनको कितने रुपए दिए। और जहाँ तक समाजवादी के जो नेता बात कर रहे थे कि जनता को मरने के लिए छोड़ दिया, उस समय तो ये उस समय तो ये कह रहे थे ये बीजेपी का वैक्सीन है। आप तो ये कह रहे थे कि ये बीजेपी का वैक्सीन है। आपने क्षमा मांगा जनता से, आप जनता को गुमराह कर रहे थे कि बीजेपी का वैक्सीन है, बीजेपी वालों का वैक्सीन है, नपुंसक बना देगी। उस समय तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फर्क यही पे है कि हमने जनता को बचाने पे ध्यान दिया, आपने सरकार की आलोचना पे ध्यान दिया, यही फर्क है। जनता ने
कोई भी रीजन ना होगा। देखिए ये 10 तारीख को पता चल जाएगा, ये 10 तारीख को पता चलेगा बिल्कुल नकार जनता लेंगे जो गुंडों का प्रदेश गुंडा बना बना जाता था सरकार में जनता उनकी क्या स्थिति है, क्या ये जनता के फर्क में महसूस होता है, क्या जनता इसको नहीं देखती है, क्या जो सलाखों के पीछे है और जो ये कहा करते थे कि मैं प्रशासनिक अफसरों से दूसरे खड़ा करूंगा, आज वो सलाखों के पीछे है और ना प्रगर रहे उनके नाते के आगे। ये फर्क है, ये फर्क है जो हमने किया है। ठीक है राहुल जी, राहुल जी ठीक है नरेंद्र जी, लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं ना कि जो विकास करना था विकास किया है, और सबसे बड़ा बात तो इनके पास ये हथियार है। अरे सुन लीजिए, सबसे बड़ा हथियार तो इनके पास ये है कि जो अपराधी जो माफिया खुलेआम घूमते थे लोगों को पीड़ित प्रताड़ित करते थे वो आज सलाखों के पीछे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं वो जो प्रदेश छोड़ करके भी भाग गए हैं। देखिए इन्होंने राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई की है, अगर इनको कार्रवाई करनी होती तो धनंजय सिंह क्रिकेट नहीं खेल रहा होता इनामी, दिलीप सिंह कितने माफी आपको गिना दे हम। इन्होंने अपने राजनीतिक दोष से जो लोग इनके आड़े आ सकते थे विपक्ष के लोग उनको खत्म कर रहे हैं। अगर आप देखिए कई ईडी कई सीबीआई भी छापे पड़ते हैं, अभी 12,000 करोड़ लेके ले गया आदमी, उनकी सरकार में था इतने दिन से क्या कर रहे थे इनको पता नहीं था, ये घोटाला हो रहा है उनके संरक्षण में घोटाले हो रहे हैं, देश लुट रहा है, बैंकें लुट रही है, आप बताइए क्या हालात है। उत्तर प्रदेश में 150 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है, ये कहां थे, ये कह रहे थे कालाधन खत्म हो गया, कहां खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश में पूरे देश को उन्होंने खत्म कर दिया है और देख लीजिए आज, आज अगर इनकी सरकार नहीं जाती है उत्तर प्रदेश में तो ये हालात हो जाएंगे ना, तो देश को कंप्लीट जो है ना लोग भीख मांगने पर ठीक है नरेंद्र जी, हालात क्या होंगे वो आने वाला वक्त बताएगा और उत्तर प्रदेश की जनता तय कर देगी कि दरअसल उत्तर प्रदेश को सही और विकास के पथ पर कौन ले जा सकता है। यहाँ पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। बारह नंबर फैसला है साडा के 105 तो लेके 250 रुपए तक बिल आउंदा सी शहरां दे विच, अग्गे नूं 50 रुपए आए करेगा ते आउणा शुरू हो गया है, नोटिफिकेशन नाल लगी हुई है लोकल बॉडी दी। सारे मसले हल करांगे आओ कर कर दे विच चली गल, चन्नी करदा मसले हल, कर कर दे विच चली गल, चन्नी करदा मसले हल। जो मैं बोलदा है वो कानून बनदा है और मैं वो बोलना जो लोगों की जरूरत है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार बने हुए हैं, आरबी उपाध्याय जी सीधे आपके पास आएंगे। देखिए अभी ये जो बात हो रही है, चर्चा हो रही है कि पैसे लोग को लोग भाग जा रहे हैं, सरकारें पकड़ नहीं पा रही हैं, दावे बड़े बड़े कर रही हैं, ये दरअसल केवल विपक्ष के लोग ही नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये बात कह रहे हैं। राहुल आनंद जी को बता दें कि शायद परसों ही था, एक जनसभा को संबोधित करने इनकी सांसद मेनका गांधी हैं वो गई थी, उन्होंने भी ये बाकायदा कहा है कि ये सच है, लोगों को जो उम्मीदें थीं कि उन्हें न्याय मिलेगा समय से वो नहीं मिल रहा है,
उम्मीदें लोगों की टूटी हैं। ये शब्द बीजेपी के सांसद ने कहे हैं। बीजेपी के सांसद ने यह भी कहा कि पैसे लेकर के लोग भाग जा रहे हैं, सरकार नहीं पकड़ पा रही है। लेकिन इसी सरकार में किसानों के घर पर नोटिस दी जा रही है, किसकी? बिजली के बिल की, 15,000 रुपए के भुगतान की। देखिए विडंबना यही है योगेश जी, कि जो वसूली की प्रक्रिया है ना, देखिए किसान अपनी जमीन गिरवी रख के कर्ज लेता है, और जब राजस्व वाले, योगेश जी अगर आप गांव से बिलोंग करते हो, वो जब नहीं देते हैं, किस्त नहीं, पैसा नहीं दे पाए, तो राजस्व वाले आ जाते हैं वो कोकी करके, तो किसान आगे आगे भाग रहा होता है और वो उसे पकड़ने के लिए राजस्व वाले पीछे पीछे भाग, खेतों में पगडंडियों पर में। हाँ वो चक्रोट हाँ। बोलते हैं शायद, पता नहीं आपकी तरफ क्या बोलते हैं, चक्रोट बोलते हैं हम लोगों की तरफ, और वहां हाँ, पर किसान, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, किसान आगे आगे और ये सब पीछे पीछे अधिकारी। हाँ तो राहुल आनंद जी ने तो देखा नहीं है। हाँ मैं तो गांव का आदमी हूँ, मैंने देखा है। तो देखिए वसूली एक तरफ करोड़ों रुपए लेके एक आदमी भाग गया, कोई वसूली नहीं, और किसान जिसकी जमीन गिरवी रखी है आपके पास, उसको आप पकड़ने के लिए पीछे पीछे भाग रहे हैं और उसे हवालात में बंद कर देते हैं। जब तक वो पैसे जमा नहीं करता, वो हवालात से बाहर नहीं आता। सही कह रहे हैं। तो एक देश में दो व्यवस्थाएं, पूंजीपति करोड़ों रुपए ले गया, कोई वसूली नहीं, एनपीए में चला जाएगा, सरकार माफ कर देगी। राहुल जी आ रहे हैं, किसान तो किसान के लिए। और देखिए एक चीज और है जो चिंता का विषय है, कि बैंक से लोगों का विश्वास उठ रहा है। खून पसीने की कमाई में बैंक में जमा करता हूं, मैंने नोटबंदी में देखा, मैं हकीकत बता रहा हूं योगेश, एक शादी थी घर में, मैं गया बैंक मैनेजर से बात की, कहता है जी 500 रुपए मिलेंगे। मैंने कहा भाई मेरे 5,00,000 रुपए जमा है, मैंने इसलिए जमा किए थे कि शादी में काम आएंगे, और तुम 500 रुपए दिखा रहे हो मुझे। मैंने कहा ये तो गुंडागर्दी हो गई। ठीक बात, ये तो गुंडागर्दी हो गई ना, कि मुझे लेने 5,00,000 है और आप कह रहे हो 500 रुपए दूंगा, फालतू नहीं दूंगा 500 से। अब विडंबना देखिए, अरे भैया मैंने तो इसलिए जमा किए थे कि मेरे बुरे वक्त में ये पैसा काम आएगा, और घर में रख नहीं सकते, पता चला है कोई छापा पड़ गया तो कहा गया कि कैश कहां से ले आए आप, विश्वास डिगा। हाँ वहां से विश्वास कम होना शुरू हुआ, बिल्कुल। और अब जो ये लेके भाग रहे हैं, एनपीए हो रहा है, हजारों करोड़ों रुपए लेके जा रहे हैं, तो लोगों में ये लगने लगा यार बैंक में पैसा भी सुरक्षित नहीं है, बैंक कब दिवालिया घोषित हो जाए। देखिए इसके लिए तंत्र जिम्मेदार है, इस तंत्र को सुधारना होगा, सिर्फ केवल नारेबाजी से नहीं चलने वाला ये देश। नारे और वायदे, घोषणाएं बहुत होती है, और यथार्थ के धरातल पर आप देखिए कोसों दूर रहते हैं, ये वायदे जो नारे किए जाते हैं कोसों दूर रहते हैं, कोसों दूर, उल्टा होता है, उल्टा। ठीक, मैंने देखा उल्टा हो रहा है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं एयर इंडिया बेच दूंगा, मैं रेल बेच दूंगा, मैं LIC बेच दूंगा, क्या है। तो अब ये जो मैसेज जा रहा है जनता में, ये पॉजिटिव नहीं है। राहुल आनंद ही यथार्थ के धरातल पर उतरकर काम करना पड़ेगा। देखिए योगी जी ने, मोदी जी ने राशन दिया, लोग सराहना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हाँ अगर राशन नहीं मिल रहा होता हम भूखे मर जाते, वो बोल रहे हैं उस बात को। लेकिन रेल का सफर इतना महंगा हो जाएगा, आदमी कहीं जा ही नहीं पाएगा, प्राइवेट एक स्टेशन हो गया, वहां 50 रुपए स्कूटर की पार्किंग लेगा, वो कैसे चलेगा। इस गरीब आदमी के लिए कोई व्यवस्था होगी या नहीं होगी, सब कुछ अमीरों के लिए होगा, उनके हजारों करोड़ माफ, और किसान के अगर छोटा सा कर्ज है 50,000 का तो वो आत्महत्या कर रहा है, कर रहा है। बुंदेलखंड की स्थिति बेहद, अंबानी का 22,000 करोड़ रुपया माफ किया इन्होंने,
हाँ अरे आ रहे हैं, आ रहे हैं राहुल जी से ले लेते हैं। राहुल जी बताएंगे, जवाब दे रहे हैं राहुल जी, बताएंगे आपके भी सवालों के जवाब देंगे राहुल जी से हम पूछ भी रहे हैं। राहुल जी वास्तव में स्थिति देखिए, धरातल धरातल के मुद्दों पर अगर चर्चा करें, मुझे लगता है कि जब भी चर्चा करता हूं तो धरातल के मुद्दों पर ही करता हूं। ये जो किताबी आंकड़े हैं या जो फाइलों में जो दर्ज है ना, ये मुझे थोड़ा समझ में भी कम आता है। एग्जैक्टली मैं बताऊं सही तो, क्योंकि मैं जमीनी स्तर पर रह करके जमीनी स्तर की बात करना चाहता हूं और ही करता हूं। आप बुंदेलखंड का जिक्र कर लीजिए, देख लीजिए, आप ये कह रहे हैं कि बुंदेलखंड की जनता वास्तव में बहुत खुशी है, सुखी है, उसके लिए आपने बहुत विकास किया, ये सच है। मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद आ रहा, लाखों 1 लाख से ज्यादा नोटिस किसानों के घर में गई हैं पिछले 5 सालों में, और अगर उद्योगपतियों का जिक्र करें कि कितनी गई हैं तो मुझे लगता है हजारों में केवल हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ स्थिति। जो राजनीतिक विश्लेषक जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे नोटबंदी के समय की, कि मेरे 5 लाख थे और मुझे 500 रुपए ऑफर किया गया था, बैंक का वही सब भरोसा उठ गया। तो मैं आपको बता दूं कि स्थिति उस समय जो स्थिति हुई थी, उस समय नोटबंदी को लेकर पैसे की कमी देखी गई थी, लेकिन उसके बाद जब 2 महीने का जब अंतराल बीता उसके बाद स्थिति तुरंत सुधर गई। अब आप जाकर 50 लाख में निकालेंगे आपको तुरंत निकलेगा। तो ये बैठ कर जो बातें करते हैं, जो पास्ट की बातें ले जाते हैं, जो हुआ था मैं भी इसको स्वीकार करता हूं, लेकिन अब स्थिति सुधर गई इसके बारे में कभी चर्चा नहीं करेंगे। इससे साफ ये नजर आता है कि जो ये विश्लेषक बैठे हैं वो किसके लिए प्रेरित है। दूसरी बात मैं बता दूं, नहीं नहीं राहुल जी ये आप गलत बात कर रहे हैं। देखिए वो किसी के लिए प्रेरित नहीं होते हैं, सुन लीजिए आप भी उनके साथ तमाम सारी चर्चाएं कर चुके हैं, वो दोनों पर सवाल उठाते हैं, नहीं करते हैं। मेरी अगर सरकार में गलती है तो मैं सब करता हूं, ये नहीं करते हैं योगेश जी। नहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता से पूछा, भाई आपने सुना नहीं? अरे सुन लीजिए जो गलत है, अरे इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है राहुल जी, इतना उत्तेजित होने की कोई जरूरत ही नहीं है। सुन लीजिए अरे मैं आपको याद दिला, अभी का याद दिला रहा हूँ। आपको किसने लोन दिया था? विजय माल्या ने दिया था। विजय माल्या पे 1000 करोड़ बाकी था। विजय माल्या से अभी गूगल करके देख लीजिए, 1800 करोड़ वसूल लिया गया है सरकार के द्वारा, बस उसे प्रत्यापन करके लाने की बात चल रही है, इस पे ये चर्चा नहीं करते हैं। और मेहुल चौकसी को किसने लोन दिया था? भारतीय जनता पार्टी ने दिया था? नहीं, कांग्रेस की सरकार ने दिया था। पक्ष विपक्ष दोनों की बात कीजिए। हमने उनको पकड़ा, उनके घर को ध्वस्त कर दिया, नीरव मोदी को, नीरव मोदी का 1000 करोड़ का अफसाना ध्वस्त कर दिया कांग्रेस ने। ठीक है, आपकी कैपेसिटी बात करिए तो खुलकर करिए। आप बैंक दिवालिया की बात करते हैं, बैंक में कितने लाख का गारंटी था? पहले 1 लाख रुपए का गारंटी था, सरकार ने 5 लाख की गारंटी दी है। तो आपको क्या नहीं लगता है कि ये आप सशक्त बनते जा रहे हैं? आप बन रहे हैं कि नहीं? आप सशक्त बनिए। और जहां तक सपा के प्रवक्ता बैठे हैं हमारे साथ नागेंद्र भाई जी, मैं उनको बता दूं कि गुंडों का प्रदेश था क्या? आपने आपके लोग आपके मुखिया कहा करते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है तो फांसी पर लटका दिया जाएगा, ये व्यवहार होता है। गलतियां हर सरकार में होती है, लेकिन प्रोसेस ये होता है कि उसको करता कौन है और कर कौन रहा है। हम करने वाले हैं तभी जवाबदेही ले रहे हैं, अगर नहीं करना होता तो इधर उधर की बातें करके हम निकल जाते हैं। लेकिन आपको ये भी कहना होगा, आपको सर ये भी कहना होगा, सरकार ने पैसे वसूले हैं, मुझे तकलीफ भी राहुल जी सुन लीजिए, आर उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। राहुल आनंद जी, अगर कांग्रेस ने गलत काम किया था तो उनको सजा मिलनी चाहिए थी, आपने किसको सजा दी? फिर उन्होंने गलत तरीके से कर्ज बांटा, लोगों को पैसे, बैंक के पैसे लुटाए, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई आपने की? उनको हटाया जनता ने, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उनको सत्ता से बेदखल कर दिया और आपको सत्ता में लाया गया कि शायद आप व्यवस्था को सुधारेंगे। मान लीजिए कोई ये बैंक चोरी हो गया तो आप सत्ता में आगे तो इसकी रिकवरी कराते ना, पुलिस फौरन पकड़ के लाते हैं, माल बरामद करती है और कोर्ट में जाके देखो ये चोर है, इसने इस बैंक को चोरी किया था, वो आर्टिकल होता है अगर समझे तो वो कोर्ट में पेश किया जाता है। अगर अखिलेश जी चोर हैं तो आपने इन 5 साल में क्यों नहीं पकड़ के बंद किया? इन्होंने घोटाला किया, इन्होंने गुंडागर्दी की थी तो गुंडागर्दी बंद कर देते। मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टियां एक हैं, जनता है वो 2 पार्टी के बीच में पिस जाती है। केवल ये वोट बैंक की राजनीति करती है, सत्ता पर काबिज होने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू रहता है। अंदर खाने कहीं ना कहीं ये जो आप मिली भगत की बात कर रहे हैं ये नजर आ रही है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, जनता ही इसकी भुक्तभोगी होती है। केवल
खैर, आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। और लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अब बाकी चरण के चुनाव हैं, ये सबसे बड़ी बात और देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जिस तरीके से सियासी सूरमा सब उतरे हुए हैं मैदान में चुनाव प्रचार प्रसार अभियान में और दावा कर रहे हैं सरकार बनाने का, अब जनता उत्तर प्रदेश की किसके साथ जाती है और किसके सर पर सरताज रखती है। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही।